तो अगर आपको खुद का बारकोड बनाना है एंड अगर आपका कोई फ़ोन टच करता है, आपको जानना है कि कौन आपके फ़ोन को टच किया, तो इस वीडियो को देखना। इस वीडियो में आपको पांच काफ़ी अच्छे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो कि काफ़ी मस्त एप्लीकेशन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस पहले ऐप का नाम है, उसका नाम है ईशान QR कोड स्कैनर। ये कोई नॉर्मल सा मतलब QR कोड स्कैनर नहीं है, बल्कि ये एक QR कोड मतलब जनरेट करता है। तो यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अगर आप कोई अपना नंबर एंड नंबर के नीचे वहाँ पर इंटर SMS मतलब कुछ आप मैसेज लिखते हो, लिखने के बाद आप क्रिएट कर देते हो, तो आपको उस बार कोड को जो भी स्कैन करता है तो ये सारे मैसेज आपको शो करने लगेंगे। तो आपको ऊपर ढेर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जिससे आप एक QR कोड जनरेट कर सकते हैं एंड उसको कोई स्कैन करता है तो उसमें जो भी आप इंफॉर्मेशन डालेंगे तो वो आप शो करने लगेगा। तो ये काफ़ी मस्त एप्लीकेशन है जिससे आप अपना खुद का QR कोड जनरेट कर मतलब मस्त है, इसको जनरेट कर सकते हो एंड काफ़ी मज़ा आ जाएगा आपको जनरेट करने में। तो इसका इंटरफेस आप कुछ ऐसे देख सकते हो, प्ले स्टोर पर आपको ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप मतलब स्कैन भी कर सकते हो QR कोड को। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन था गाइस। दोस्तों, दूसरा एप्लीकेशन है, उसका नाम है थर्ड आई। ये सचमुच में एक थर्ड आई ही है। अगर आपके फ़ोन के साथ कोई मतलब कोई मस्ती करता है, आपका फ़ोन का पैटर्न या पिन खोलने की बार बार कोशिश करता है, तो ये एक फ़ोटो कैप्चर कर लेता है। तो आपको सिंपली ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसकी टर्म एंड कंडीशन जो है उनको मतलब ओके कर देना है। तो यहाँ पर आपका एक मांगेगा तो उसको आपको अप्लाई कर देना है। जितने भी परमिशंस मांगे उसको आपको इनेबल कर देना है। तो करने के बाद ये आपका मतलब कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर आपको नंबर्स ऑफ अनलॉक अटेम्प्ट्स देता है। तो जैसे अगर आप चाहते हो कितने बार में ये फ़ोटो क्लिक कर दे, तो आपको एक बार क्लिक या दो बार क्लिक कर देना है। तो मैंने एक बार क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए, मैं रॉन्ग पासवर्ड जितनी बार क्लिक करूँगा, मतलब जैसे एक बार से ज़्यादा किया थे, फ़ोटो एक कैप्चर कर लेता है। तो फ़ोटो कैप्चर करने के बाद ये अपना थर्ड आई में आपको ओपन फिर से जाना है। तो यहाँ पर मतलब साइड वाले सेक्शन में आपको फ़ोटो लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरा फ़ोटो एक क्लिक कर दिया है इनकरेक्ट पासवर्ड डालने के बाद। तो इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन किसने यूज़ किया। एंड गाइस, तीसरा एप्लीकेशन का नाम है शॉट ऑन। ये एप्लीकेशन, इसका वर्क ये है, जैसे अगर आप चाहते हो कि आप कोई स्टेटस लगाओ, वहाँ के नीचे जो लिखा रहता है कि मतलब शॉट ऑन आईफोन 12 प्रो मैक्स, शॉट ऑन रियल मी, शॉट ऑन ये, शॉट ऑन वो, तो अगर आप भी ऐसा प्रैंक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे शॉट ऑन एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर आपकी कुछ सेटिंग्स रहेंगी। तो ये पोजीशन जो है ना, आपको यहाँ पे राइट नहीं लेफ्ट पोजीशन कर देना है ताकि एकदम नीचे आपका शो करेगा। एंड लोगो पे आपको एप्पल का लोगो या जो भी लोगो करना है वो कर उसके बगल में आप एक फ़ोटो खींच लेना है। तो खींचने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका देखिए शॉट ऑन आईफोन 12 प्रो मैक्स। तो बगल वाले मैंने फ़ोन का नाम भी डाल दिया था, तो ये आपका फ़ोन का नाम भी डाल देना है। एंड आपको यहाँ पर देख सकते हो, मेरा ये जो आईफोन 12 प्रो मैक्स है तो मैंने उससे फ़ोटो खींच लिया है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसा प्रैंक करना है, आपको स्टेटस लगाना है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। तो ये वीडियो था। तो गाइस, नेक्स्ट एप्लीकेशन का नाम है sticker.ly। तो ये एप्लीकेशन जो है ना, चैटिंग के लिए काफ़ी मस्त होने वाला है, क्योंकि अगर आप अपने फ़ोन में अगर किसी के साथ चैटिंग करते हो, मीम्स में चैटिंग करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे आपको ढेर सारे जैसे जो फेमस बहुत लोग फेमस होते हैं ना कॉमेडी में, तो कॉमेडी वाले जितने भी फेमस लोग हैं एंड आपको यहाँ पे ढेर सारे मीम्स मिल जाते हैं, तो आपको उनको यूज़ कर चैटिंग में बात कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, इतने भी आपको मीम्स देख रहे हैं, तो इन सारे आप मीम्स को आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों को शेयर कीजिए। आप दोस्तों आपके इंग्लिश में बात करते हैं तो आप मीम्स में बात कीजिए। तो ऐसे आप बनकर काफ़ी कूल बन सकते हो। तो आपको ऐड टू व्हाट्सअप कर लेना है। ऐड टू व्हाट्सअप करेंगे तो आपका ये थोड़ा डाउनलोडिंग होगा, 100% तक जाएगा। 100% तक जाने के बाद आपका व्हाट्सअप का ऑप्शन आ जाता है। तो आप व्हाट्सअप पर जाकर अपने दोस्तों के साथ मस्त में मीम्स में चैटिंग कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी मस्त एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट कोई ऐप नहीं है गाइस, बल्कि एक ऐप है जिसका नाम है बुलेट मैन 3D। ये भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो ये कुछ काफ़ी तगड़ा गेम मुझे लगा, क्योंकि ये इंस्टेंट स्लोमो करके आपको दिखाता है। जैसे आपको इस बंदे को मारना है, तो आप इसको जैसे ही आप मार देते हो, तो यहाँ पर आपको ये मतलब इंस्टेंट स्लोमो देता है, मतलब तुरंत आपको स्लोमो दिखाएगा आउट होने के बाद लास्ट बंदे पर। देख सकते हैं, काफ़ी कूल सा लग रहा है। मैंने इसको काफ़ी अच्छा लगा मुझे खेलने। मैंने लेवल 180 क्रॉस कर दिया है। तो मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ, जैसे आप इसको मारते हो तो इसको भी मार लो, फिर उसको भी मारो, जब लास्ट वाला बंदा आता है ना, तो मतलब मस्त एकदम झकास लग जाना है यार। मतलब
इंस्टेंट स्लोमो दिखाता है जो कि काफ़ी कूल सा लगता है। तो यही सारे एप्लीकेशन थे, काफ़ी मस्त एप्लीकेशन हैं जो कि सारे प्ले स्टोर पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको ईशान QR कोड जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम से मिल सकता है, आप इसका नाम सर्च कर लेना, ईशान QR कोड मैनेजर। तो सारे एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे एंड मैं आपको दिखा देता हूँ ईशान QR कोड कैसे मिल जाएगा। थोड़ा मतलब मुश्किल से मिलता है, तो आपको डालना है ईशान QR कोड मैनेजर। तो ईशान QR कोड मैनेजर आप डालेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाएगा, तो आपको यही सर्च करके आप उसको डाउनलोड कर लेना है, अपना खुद का जनरेट कर लेना है। तो सारे एप्लीकेशन को आपको ऐसे कर लेना है। तो गाइस यही वीडियो था, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को हमारे लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।